बुलंदशहर जिले के डिवाई विधानसभा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को धमकी देने वाला शातिर गिरफ्तार। बुलंदशहर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। गिरफ्तार शख्स की पहचान बुलंदशहर के गुलाबाठी क्षेत्र के गांव सेदपुर निवासी करणवीर सिंह उर्फ विक्की सिंह तेवतिया के रूप में हुई। आपको बता दे कि इस शातिर शख्स ने 5 जनवरी 2019 को फेसबुक पर रवि सिंह जाट के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर बाहुबली विधायक श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को रंगदारी न देने पर जान से मार डालने की धमकी दी थी। शुक्रवार को बुलंदशहर पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी क्राइम शिवराम यादव ने विधायक गुड्डू पंडित को धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण किया, जिसमें उन्होंने बताया कि टेक्निकल और साइबर सेल की मदद से क्राइम ब्रांच और कोतवाली नगर टीम ने जाल बिछाकर मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार शातिर शख्स को भूड़ चौराहा बुलंदशहर से 3 मोबाइल फोन समेत धर दबोचा। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि कुछ दिनों पहले फेसबुक पर कोलकाता निवासी अभी से उसकी दोस्ती हुई, जिसके बाद अभी के कहने पर पैसा कमाने के लिए बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित से रंगदारी की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त पूर्व में भी कई मुकदमों में जेल जा चुका है, जिसका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। एसपी क्राइम शिवराम यादव ने बताया कि दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास जारी है, जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आरोप पकड़ा गया जिस पर गुड्डू पंडित जो पूर्व विधायक है उनको धमकी देने का मामला था, क्या मामला था सर, कहाँ से गिरफ्तार हुआ? ये बेसिकली एक जो पूर्व विधायक जी हैं गुड्डू पंडित जी, उन्होंने एक अभियोग पंजीकृत करवाया था थाना कोतवाली में, जिसमें ये कहा गया था कि उनको फेसबुक पर धमकी दी गई थी। उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और उस घटना का अनावरण के लिए साइबर सेल और क्राइम ब्रांच सर्विलांस सेल की टीमें लगी हुई थी और इसमें सफलता प्राप्त हुई। आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम करणवीर सिंह उर्फ विक्की है और ये भूड़ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली ये पहले भी जेल में रह चुका है, इसका आपराधिक इतिहास है। ये बस्ती से 363, 366, 374 में वर्ष 2014 में जेल गया था। फिर जेल के भीतर भी इसने रंगदारी मांगी थी और जेल के बंदियों को पीटा था, जिसके संबंध में वहाँ अभियोग पंजीकृत कराया गया था वहाँ की पुलिस के द्वारा, और फिर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई थी। फिर ये अभी 3-4 महीने पहले जेल से बाहर आया था। एक अभी नामक व्यक्ति है जो पहले से फ्रेंड फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई थी, बाद में इसकी फ्रेंडशिप भौतिक रूप से भी हुई और लखनऊ में दोनों ला करके रहे भी थे। इन्होंने बेसिकली ये फ़ोन करके रंगदारी मांगने का ही काम किया था, इनको कुछ पैसा मिल जाएगा जिससे आगे की कार्रवाई या इनको मुकदमे वगैरह हैं उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, पूर्व विधायक ही को क्यों टारगेट किया गया था, इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे ये मकसद है चूँकि ये यहीं का रहने वाला है, चंदन की मड़ैया का, गुलावटी क्षेत्र का, वो गुड्डू पंडित को जानता है और इसके और भी रिलेशन में लोग हैं जो भी जानते हैं, इसके लिए इसने इनको चयन किया था। ठीक, तो क्या सर किसी और का भी हाथ है इसके पीछे? नहीं, अभी चूंकि इसमें मुख्य अभियुक्त जो इसके पीछे और भी मास्टरमाइंड है अभी जो कोलकाता में इस समय है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसके कहने पर ही इसने सारी कार्रवाई की थी। तो अभी को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो बाकी चीजें भी स्पष्ट होंगी। पीलीभीत की पूरनपुर चीनी मिल में कर्मचारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। अपनी मांगों को लेकर चीनी मिल परिसर में नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन और अपनी मांगों को पूरे न होने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। जी हां, कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वह अपने वेतन को लेकर चीफ अकाउंटेंट से बात करते हैं तब कर्मचारियों से गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें वेतन नहीं दिया जाएगा, जहां वेतन मिले वहां काम करो जाकर।
कर्मचारियों द्वारा पूर्व में कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारियों ने कर्मचारियों की सुध नहीं ली। जब चीनी मिल के कुछ अधिकारियों से पत्रकारों ने बात की, तब उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। सुनिए इस मामले में चीनी मिल के कर्मचारी राम शर्मा का क्या कहना है। ये आपका राम शर्मा, राम शर्मा जी, ये बताइए आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सर हमारा ये मामला है, हमको 150 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। हम लोगों से हर साल कहा जाता है कि 10,000 10,500 रुपये तुम्हारी सैलरी कर दी जाएगी, कहीं 15 अगस्त कहीं 26 जनवरी को। कुछ लोगों के जो दबंग है उनके सैलरी बढ़ा दी गई है, तो हम लोगों को जो है 150 के हिसाब से दिया जा रहा है। आप लोगों ने इसकी लिखित में शिकायत की है? लिखित में कई बार शिकायत की है। क्या कहते हैं प्रशासन? ये कहते हैं कि 2-4 दिन का टाइम दो, हम बढ़वा देंगे। आज भी हमने कहा, आश्वासन दिया, 4-5 दिन का आश्वासन दिया, मगर हर साल यही सीजन निकल जाती है, फिर बस कोई नहीं कुछ कर सुनता। आपने किन से शिकायत की है? GM साहब से भी कई बार कहा, और सचिव के पास भी भेजा, और योगी आदित्यनाथ के पास भी भेज चुके हैं हम, मगर जवाब में जब यहाँ पर आया तो इन्होंने लिख दिया कि हम आवश्यकता अनुसार बुलाते हैं, जो हम लोग परमानेंट डेली काम करते हैं। सद्दीक अहमद जी, ये बताइए आज आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किस चीज़ को लेके और कब तक चलेगा? ये सर अनिश्चित काल चलेगा, और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सर हमारी तनख्वाह जो है 150 रुपये प्रतिदिन की है, और जो अधिकारियों के रिश्तेदार हैं हमारी कैटागिरी में उनके 10,000-12,000 हैं, और जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं उनके भी 10,000-12,000 हैं, हमारे 150 रुपये प्रतिदिन के हैं। आप लोग भी सर हमको महीने में नहीं मिलता है, दो दो तीन तीन महीने बाद तब सैलरी मिल पाती है। आप लोग कब से कार्यरत हो यहाँ पे? सर हम कोई 8 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 3 साल से है, कोई 12 साल से, कोई 10-12 साल से है। आपको बराबर 150 ही का मान दे दिया जाता है? कभी 30 हुआ।